टोयोटा की कारें आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। टोयोटा की पहचान आज सबसे भरोसेमंद कारें बनाने वाली कंपनी के तौर पर है। टोयोटा को इस मुकाम तक पहुंचाने का पूरा क्रेडिट जाता है कंपनी के संस्थापक किचिरो टोयोटा को। किचिरो टोयोटा बचपन से ही होनहार थे और उनकी काबिलियत को उनके पिता साकिची टोयोटा ने बखूबी तराशा। साकिची टोयोटा जापान में मोटर से चलने वाली पहली पावर लूम मशीन के निर्माता थे। साकिची की गिनती देश के सफल उद्योगपतियों में होने लगी थी, लेकिन 1910 में उनका ध्यान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ खींचा। 1929 में साकिची ने पावर लूम मशीन के राइट्स बेच दिए और अपना पूरा ध्यान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर लगा दिया। साकिची ने ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करने की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे किचिरो टोयोटा को दी। किचिरो के लिए ऑटोमोबाइल बिजनेस बिल्कुल नया था और उन्हें इसका जरा भी अनुभव नहीं था, लेकिन किचिरो ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ ऑटोमोबाइल कंपनी का काम शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने इस इंडस्ट्री का ज्ञान बटोरने के लिए कई देशों का दौरा किया। जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उन्हें ऑटोमोबाइल बिजनेस शुरू होने का रास्ता दिखने लगा। किचिरो ने अमेरिका में फोर्ड और दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के काम करने के तरीके को बड़ी बारीकी से परखा। किचिरो समझ चुके थे कि जापान में ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने का अच्छा स्कोप है। किचिरो जापान लौटे तो उन्होंने अपने देश में कार बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने पिता की पावरलूम फैक्ट्री में ही कार बनाने का काम शुरू किया। इस काम में उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जापान में उस वक्त न तो कार बनाने की तकनीक विकसित थी और न ही किसी को ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की जानकारी थी, लेकिन किचिरो ने इस चुनौती का सामना किया और जापान की सरकार ने भी उनकी मदद की। मेहनत रंग लाई और 1932 में टोयोटा ने दो प्रोटोटाइप कारें बनाई। तमाम कोशिशों और नाकामियों को पार करते हुए कंपनी ने 1935 में अपनी पहली कार लॉन्च कर दी। इस कार का नाम था टोयोटा मॉडल AA। ये कार जापान में बेहद कामयाब रही और टोयोटा कंपनी का नाम सुर्खियों में छाने लगा। बाद में किचिरो ने कंपनी का नाम टोयोटा से बदलकर टोयोटा कर दिया। किचिरो की मेहनत और लगन ने टोयोटा कंपनी को दुनिया के कई देशों में मशहूर कर दिया, लेकिन इसी बीच 1940 में वर्ल्ड वॉर होने की वजह से एक बार फिर कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। घाटा इस कदर बढ़ा कि कंपनी खत्म होने की कगार पर आ गई, लेकिन इसी बीच अमेरिका से कंपनी को 5000 गाड़ियां बनाने का ऑर्डर मिल गया और टोयोटा कंपनी में नई जान आ गई। 1952 में किचिरो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन तब तक टोयोटा की कारें एक खास मुकाम हासिल कर चुकी थी। 1955 में टोयोटा ने ग्लोबल मार्केट पर फोकस किया और टोयोटा की कारें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने लगी। टोयोटा ने छोटी और किफायती कारों पर फोकस किया और अपनी इस रणनीति की वजह से टोयोटा को अच्छी सफलता मिली। अब 27 देशों में टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और टोयोटा की कारें दुनिया के तमाम देशों में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। किचिरो टोयोटा ने साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य पर फोकस हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। उनकी मेहनत और लगन से ही आज टोयोटा कंपनी दुनिया भर में एक अलग पहचान बना चुकी है। किचिरो को शुरुआत में तमाम मुश्किलों और नाकामियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो दुनिया भर में कामयाबी की मिसाल बन चुके हैं।